हेलो दोस्तों दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ महिलाओं से रिलेटेड 40 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा दोस्तों, ये वर्ष 2019 से रिलेटेड है, यानी कि 2019 में किस महिला ने किस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल की है या कोई विशेष योगदान दिया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप भी एक महिला है और आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं किस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल कर रही है या उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण मैंने उनका एक क्वेश्चन बनाया है और क्यों बनाया है, जो कि करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IAF फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो अवनी चतुर्वेदी बनी है दोस्तों IAF फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक कौन बनी है। तो हिमा दास बनी है दोस्तों ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारतीय एथलेटिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF की पहली महिला फाइटर कौन बनी है। तो तान्या सान्याल बनी है IAF की पहली महिला फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो PV सिंधु बनी है BWF में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो मिताली राज बनी है T20 में 2000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देवजानी घोष बनी है नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की CFO बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो अंशुला कांत है CFO बनने वाली वर्ल्ड बैंक की पहली भारतीय महिला का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की CEO बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो गीता गोपीनाथ है IMF की CEO बनने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसा बोले तो IMSA की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो चंद्रिमा शाह है इंसा की अध्यक्ष बनने वाली महिला का नाम। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो करेल उलहेन बेक है एबल पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन जीतने वाली पहली कनाडाई महिला कौन बनी है। तो बियांका एंड्रीस्क्यू बनी है US ओपन जीतने वाली पहली कनाडाई महिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो जुजाना केपिटोवा बनी है स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा किस भारतीय एथलेटिक को मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा यूनिसेफ के द्वारा, जो कि मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF पहली महिला फाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो हीना जायसवाल बनी है पहली महिला फाइटर इंजीनियर IAF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बन गई है। तो विंग कमांडर अंजलि सिंह बन गई है पहली महिला राजनयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है। तो निर्मला सीतारमण बनी है पहली
पूर्णकालिक वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है, 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला पहलवान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लिट सेमिन अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो मलाला यूसुफ सई को सम्मानित किया है ग्लिट्समैन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा पाटिल को किया गया दोस्तों, मेक्सिको के सर्वोच्च सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंग्लैंड का खिताब किसे ने जीता है? तो भाषा मुखर्जी ने जीता है मिस इंग्लैंड का खिताब। अगर दोस्तों महिलाओं के से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया जो कि आपके जीके का भी एक पार्ट था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।